गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज देखो हम करेंगे क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3, पॉलीनोमियल कैसे निकालते हैं, किस तरीके से। पहला क्वेश्चन आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई। पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के आपको, पहला है x + 1, दूसरा है x - 1/2, तीसरा है x आपका, चौथा है x + π और फिफ्थ है आपका 5 + 2x। सबसे पहला निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1, इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड x + 1 से करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इधर, तो यहाँ x है, यहाँ क्या है आपका x3, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर से x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। घटाते समय क्या करेंगे, साइन इसके पलट जाएंगे, पहला कैंसिल हो जाएगा आपका, दूसरा क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा 2x² प्लस 3x। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पर जिसका साइन होता है हम उसी का साइन लेते हैं, आप तो यहाँ पर 2x² प्लस का है तो प्लस का लेंगे, और यहाँ पर x² ऑलरेडी दे रखा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2x ओनली, 2x की करेंगे 2x², फिर 2x की 1 से करेंगे 2x, फिर साइन पलट जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका x + 1। अब यहाँ देखेंगे x + 1 यहाँ पर है, x1 + यहाँ पर है, तो ओनली क्या लगाएंगे, 1, तो x + 1 साइन पलट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पहले क्या जाएगा आपका, 0 रिमाइंडर। सेकंड क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व होगा तुम्हारा, एक्स क्यूब प्लस 3x² 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1/2, इसको करेंगे आप सबसे पहले तो x² आ जाएगा आपका, x³, इसका ऐसे करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 1/2x², ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे करेंगे, ये आएगा 7/2x² प्लस 3x, अब 7/2 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 7/2x, 7/2x² प्लस 7/2 के 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आएगा 7/4x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का ये प्लस का, इसका ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 + 7 = 19, 19/4x, साथ में आपका क्या आएगा, प्लस का 1। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 19/4 है प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का लेंगे, और यहाँ लेंगे 19/4x, तो करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 19 × 19, 4 × 2 = 8, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इसे करेंगे तो 8 × 8, 8 × 9, 27/8, यह आपका क्या जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसी का थर्ड पार्ट, उसे देखेंगे तो x³ प्लस 3x² 3x + 1 डिवाइडेड बाई x से जब डिवाइड करेंगे तो x² क्यों आएगा, x² क्योंकि यहाँ पर x³ है आपका, तो स्क्वायर से अगर एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा x³। फिर आगे क्या करेंगे, ये माइनस का ये कट जाएगा 3x², फिर इसको करेंगे 3x है तो 3x² हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी कट जाएगा, फिर आएगा आपका 3x, इसको फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, ये भी कट जाएगा, फिर क्या रहेगा, 1 क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर। इस तरीके से रिमाइंडर आ जाएगा आपका। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे तो आपका ये है x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1 डिवाइडेड बाई x + π, किस तरह से करेंगे, तो यहाँ x है, यहाँ पर आपका x³ है, तो यहाँ x² आ जाएगा, x³ प्लस π x², ये माइनस ये कट जाएगा आपका, तो अब आपका क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ बचेगा 3 - π, और ये x² मैंने आपका कॉमन ले लिया। उसके बाद देखेंगे प्लस का 3x, इसे देखेंगे तो यहाँ पर 3 - π x ओनली, 3 - π
एक्स स्क्वायर, इसकी से करेंगे तो आपका ये आएगा 5 प्लस का 3 माइनस पाई, और ये आ जाएगा पाई एक्स। ये माइनस, ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इसको तो देखो 3 तो यहाँ लिख लेंगे इसको माइनस, अब इसे करेंगे तो 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एक्स, पाई स्क्वायर और ये एक्स। इससे अब क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स तो ऑलरेडी है, सिर्फ इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इससे करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 3 माइनस 3 पाई पाई स्क्वायर, ये एक्स, और इसका आपका 1 रह गया तो 1 लगा लेंगे। और इसकी जब इससे करेंगे तो ये आपका आएगा प्लस 3 माइनस 3 पाई पाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड पाई। आप देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये आपका इससे कट जाएगा, तो इसको करेंगे तो किस तरीके से आएगा, 3 पाई स्क्वायर पाई क्यूब प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें किस तरीके से करेंगे इसको। तो क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको चेंज कर लेंगे 2x प्लस 5। अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ 2x है, यहाँ पे आपका x क्यूब है, तो किस तरीके से करेंगे इसको, 1 अपॉन आप रखेंगे इसमें 2, और ये है तुम्हारा x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x का क्यूब, और इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका करेंगे 2 3 6 6 5 जाएगा तो 1 अपॉन 2 x स्क्वायर, और यहाँ पर 3x। अब यहाँ देखेंगे 1 अपॉन 2 है, यहाँ पर 2x है, तो किस तरीके से आएगा आपका, 1 अपॉन 4 x रखना पड़ेगा हमें, उसे इसको डिवाइड करेंगे 4 को तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस, अब इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 4 x, ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, 4 3 12 12 में से 5 जाएगा तो 7 अपॉन 4 x प्लस 1। अब यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, 7 अपॉन 8 ओनली, 7 अपॉन 8 से इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 4 x, इसी करेंगे 35 अपॉन 8, ये आपका माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा तो इसका आएगा माइनस का 27 अपॉन 8, यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका उसी एक्सरसाइज का, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपका ये है कि डिवाइड करेंगे किस तरीके से, एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब यहाँ देखेंगे यहाँ एक्स है, यहाँ है एक्स क्यूब, तो आप एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स क्यूब इसकी इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो देखो ये साइन चेंज हो गया आपके, ये भी क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये भी माइनस कर कैंसिल कर देंगे, अब आएगा आपका 6x माइनस ए। अब यहाँ देखेंगे x यहाँ है आपका 6x, क्या करेंगे, प्लस का 6x और यहाँ पर आपका जाएगा 6a, इसे करेंगे ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 5a, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमें यही रिमाइंडर फाइंड करना है इसका क्वेश्चन का, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 5a। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 उसी एक्सरसाइज का आपका 2.3 का, आपका कह रहा है चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ द 3x³ + 7x, यानी कि इसका ये फैक्टर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि ये इसे डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर आपका रिमाइंडर आता है तो ये फिर इसका फैक्टर नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका तो आपका फैक्टर होगा ये। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3x + 7, डेट क्या रिप्लेस कर देंगे इसकी, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर तो 3x³, इसके इससे करेंगे तो 7x² आ जाएगा,
इसको करेंगे माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो आप देखो यहाँ पर माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखो 3x है, यहाँ पर क्या आपका 7x स्क्वायर, तो कितना रखे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रखते हैं माइनस का 7/3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, और साथ में रखते हैं x, तो ये माइनस का 7x स्क्वायर वही रखेंगे तो 7 7 जा 49/3x। अब आप इसको करेंगे ये प्लस ये प्लस ये कट जाएगा, 3 7 जो 21 होता है, 21 में अगर 49 जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा 70 70/3 और ये एक्स, तो इसका ये रिमाइंडर आएगा, जब ये रिमाइंडर आएगा तो हम कहेंगे इसका फैक्टर ये नहीं है। इसी तरीके से आपकी ये पूरी 2.3 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म